मिर्जापुर में सांसदीय स्थानीय बनाम बाहरी के मुद्दे पर केंद्रित पीडीएम प्रत्याशी मिर्जापुर के चुनाव निवासी दौलत सिंह पटेल ने किया नामांकन। कहा कि अब मिर्जापुर राजनीतिक चारागाह से मुक्ति चाहता है। टोल प्लाजा अवैध खनन माफियाओं के चारागाह से जनपद की जनता त्रस्त है। स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा मिर्जापुर में पूरी तरीके से गरमाया हुआ है। स्थानीय होने का भरपूर समर्थन दौलत सिंह पटेल को मिलता दिख रहा है। कौशाम्बी मिर्जापुर जिले में नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही अपना दल कमेरावादी के प्रत्याशी दौलत सिंह पटेल ने पहले ही दिन नामांकन किया। मंगलवार को राजनीतिक दलों के अलावा कुल 23 संभावित उम्मीदवारों ने पर्चा लिया। सपा के राजेंद्र एस बिंद ने 4 सेट पर्चा लिया है। आपको बता दें कि नामांकन के बाद पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि जनता की समस्या हमारी समस्या है, इसके समाधान के लिए संघर्ष किया जाएगा। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचे दौलत सिंह ने 2 सेट में नामांकन पत्र दाखिल किया है। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि जिले में तमाम मुद्दे हैं, जो जनता का मुद्दा है वही हमारा मुद्दा है। जिले में सिंचाई, पेयजल, सड़क व अवैध खनन की समस्या बनी है। मुस्लिम समाज को अलग से आरक्षण देने के मामले को राजनीतिक शिगुफा बताया है। कहा कि आरक्षण की सुविधा पहले से मुस्लिम समाज को मिल रहा है, अंसारी समेत तमाम लोग आरक्षण का लाभ पा रहे हैं। कहा कि इसलिए जातीय जनगणना के आधार पर आरक्षण की मांग की जा रही है कि पहले जनगणना कराया जाए ताकि पता लग सके कि लोगों की जनसंख्या कितनी है, उसी के आधार पर आरक्षण दिया जाए। अनुप्रिया पटेल के इस बार और अधिक वोटों से जीतने के दिए जा रहा बयान पर कहा कि वह कुछ भी कहें उनका मन है, लेकिन जनता जान चुकी है। किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं आप? चुनाव हम बता दिए कि सारे जो हमारे जनता के मुद्दे हैं उन मुद्दों को भी लिए हैं हम, और उसके लिए जो है चुनाव लड़ रहे हैं। और हमारी जो और भी जो विजन होगा उसका भी हम खुलासा करेंगे अपने घोषणा पत्र में जो आपको मिल जाएगा। तो क्या है, किन मुद्दों पर आप आज चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं? बता दिए कि सारी जो जनता की समस्या आप देख ही रहे हैं, किसानों के पानी, बिजली, सड़क, उत्खनन, उत्पीड़न। खनन तो आप देखे हैं कि बहुत ज्यादा पूरा पहाड़वा खन दे रहे हैं, उतना नीचे भी हो जा रहा है। अच्छा ये बताइए, एक बड़ी चर्चा चल रही है पूरे देश में, एक चर्चा चल रही है आरक्षण को लेकर। हाँ। क्या मुस्लिम को आरक्षण मिलना चाहिए? क्या आप पार्टी से पक्ष में है? कतई नहीं, मैं बता रहा हूँ कि आरक्षण जो है ओबीसी और एससी का जैसे होता है उसमें भी मुस्लिमों को आरक्षण है। हाँ। ये बात नहीं है कि उनको कोई अलग से दिया जाएगा। ये कहाँ से, ये शगुफा उड़ाया जाता है। हाँ। कि मुस्लिमों को 20% देंगे, कहाँ से देगा कोई भाई? आप उसी में हैया है, अंसारी बंधु हमारे नहीं पाते हैं? हाँ। जो उसमें नट भैलियाँ नहीं पाते हैं, पाते हैं। हाँ। तो इसलिए जो है उसी में जो आरक्षण बढ़ेगा तो उनका भी बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए हम लोग कहते हैं कि सभी जातियों की जनगणना हो, उनके हिसाब से उसको दिया जाए, तो उसका मतलब नहीं है कि कोई उनको अलग से दिया जाएगा। ओबीसी में अगर आप आते हैं तो ओबीसी के अंतर्गत ही पाएंगे, एससी के अंतर्गत आते हैं तो एससी में पाएंगे, एससी में आते हैं तो एससी। बिल्कुल अलग से, संविधान के विरुद्ध है। हम बिल्कुल जाएंगे इंडिया गठबंधन के सारे। दौलत जी, अनुप्रिया, दौलत जी, दौलत जी, अनुप्रिया पटेल कह रही हैं कि पिछली बार से इस बार हमको और ज्यादा बहुमत चाहिए। भाई वो कहने को कुछ कर सकते, हम तो उनको रोक सकते नहीं, उनका मन है। बस और है कोई? ठीक है, वही जनसभा में।